2 साल तो कोरोना महामारी ने देश विच कोहराम मचाया है, लेकिन निष्काम सेवा सोसाइटी वालों लगातार वैक्सीन कैंप लगाए जा रहे हैं। आज 45वां वैक्सीन कैंप मजीठा रोड विखे लगाया गया, जिस विच सैकड़ों लोगों ने वैक्सीन लगवा के कैंप का फायदा उठाया। अमृतसर तो गुरमीत राजा की रिपोर्ट, लाइव भारत। गुरमीत जी, अज सा 45वां कैंप है, बहुत खुशी की गल है कि लोगों की पूरी सेवा कर रहे। जिस तरह अभी पहले भी किया सी तुहानू कि असी जदों शुरू की सेवा असी इहनू छड़ांगे नहीं उन्नी देर इस सेवा नू जिन्नी देर असी शहर का एक एक बंदा वैक्सीनेट नहीं करावांगे। उही मुहिम के तहत असी अज 45वां कैंप लगा रहे। इस कैंप विच बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे। तुहानू पता होना कि करोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन के रूप में आई है। साडी सरकार हमेशा सानू अलर्ट करती रहती है। प्रधानमंत्री जी साडे हमेशा जिहड़े कोविड गाइडलाइनस है उन्हों फॉलो करन वास्ते सानू रिक्वेस्ट करते हमेशा। तो सानू भी साडा भी फर्ज बनता कि असी उस नक्श कदम तो चलीए जे सानू सरकार कोई गाइडलाइनस दें दे। मैं एक बार फिर अपने सिविल सर्जन जी अपनी हेल्थ टीम दा जिहड़ी आई उत्थों, अज संडे दा दिन है, असी कैंप लाया, अपना टाइम फिर कढ़िया, उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि हमेशा साढ़े नाल कंधे दा कंधा मिलाकर उन्हां दा भी एक बहुत वड्डा जिहड़ा हैगा उन्हां दा एक मकसद कि करोना जल्दी तो जल्दी शहर च खत्म हो जाए। तो मैं देख रहा हली भी पहली डोज लगन वाली कई लोगों नूं, मैं लोगों नूं अपील करता कि वो जल्दी तो जल्दी बाहर आके ताकि अपन तीसरी लहर तो भी बच सकी, जल्दी बाहर आके अपनी वैक्सीनेशन करें। देखो कितनी बड़ी सहूलियत असी दे रहे लोगों नूं, उन्हां दे घर जाके बैठे हैं, आराम नाल वैक्सीनेशन लग रही है, किसी नूं कोई हैसल फ्री जिहनूं कहिंदे आ वैक्सीनेशन लग रही, हर बंदा अपनी बारी दा वेट करके अपनी वैक्सीनेशन लगा रहे। इस तो वड्डी सुविधा कौन दे सकदे। साडी जिहड़ी निष्काम सेवा ऑर्गेनाइजेशन, मेरी टीम हमेशा तैयार रहिंदी लोगों की सेवा करन वास्ते। तो मैं लोगों नूं अपील करदा कि वो जल्दी तो जल्दी बाहर आके अपनी वैक्सीनेशन लगा दें। और एक सब तो वड्डी गल है, असी हुण वैक्सीनेशन कैंप च अपन हुण कई बार की होंदा सी, असी कोविडशील्ड का कैंप लाते सी तो कोवैक्सीन वाले बेचारे वापस चल जाते सी। तो साडी कैंप दे हुण कोशिश होंदी असी दोनों जिहड़े कोविडशील्ड भी तो कोवैक्सीन भी साडे कैंप च होंदी है कि ताकि कोई वापस ना चल जाए, किसी नूं फिर आलस ना पै जाए कि मैं वैक्सीनेशन करान जावां कि नहीं जावां। इस करके अपन ये मुहिम चलाई कि अपन उसी कैंप च कोवैक्सीन भी कोविडशील्ड भी अपन रख कर लोगों की पूरी सेवा करिए। मैं लोगों नूं जिहड़े हली भी पहली डोज लगन वाले है, मैं उन्होंने अपील करता कि तुसी बाहर आके भी वैक्सीनेशन कराओ जरूर। ये हुण तुसी वेखे होने साडे जिहड़ी संस्था गाहे बगाहे अही अलग अलग सेवाएं कर रहे, इसी तहत अही संडे नूं जिहड़ा कमिंग संडे अगला संडे है असी ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा रहे। असी वेख्या कि चिकित्सा केंद्र जिन्ने भी हैं ब्लड की काफ़ी शॉर्टेज चल रही है, तुसी वेख्या उन्हें डेंगू पिछे काफ़ी चलिया, इस करके कहीं जिहड़े ब्लड बैंक खाली भी हो चुके हैं, कहीं ब्लड बैंक च शॉर्टेज चल रही है, जिदे नाल साडी बहुत वड्डी जिहड़े पिछे काफ़ी चलिया, इस करके कहीं जिहड़े ब्लड बैंक खाली भी हो चुके हैं, कहीं ब्लड बैंक च शॉर्टेज चल रही है, जिदे नाल साडी बहुत वड्डी जिहड़े लोग हैं बेचारे इस टाइम खून दे मोहताज जिहड़े इलाज के दौरान कहीं दी डैथ होंदी बेचारे। इस करके साडी संस्था ने हुण फैसला लिता कि असी अगला जिहड़ा संडे है असी वैक्सीनेशन कैंप नहीं लावोंगे, असी उस दिन ब्लड डोनेशन कैंप लावोंगे। मैं लोगों को अपील करता, महिलाओं को भी अपील करता कि वो आके उस कैंप च हिस्सा ले लन, वॉलंटियरली आ जान, क्योंकि देखो अज सानू लोड़ होंदी तो असी हर जगह धक्के खा के सानू ब्लड नहीं मिलता, उस टाइम असी हर जगह असी सोचते उस टाइम कि असी कितों लियाईए। इस करके जो तुहानू लोड़ है असी अपन धक्के खाते, जो देन की बारी असी पिछे हटते। मैं लोगों को अपील करता कि वो बढ़ चढ़ कर साडे कैंप च हिस्सा ले लन, वॉलंटियरी ले लन, कोई कोई देखो तुहाडे कोल पैसा नहीं है, तुसी अपना जिहड़ा सेवा जिहड़ी है खून दे के भी कर सकते, पैसा ना होए तुसी किसी की जान बचा सकते, एक ब्लड पॉइंट नाल असी 3-4 जाने बचा सकते। इस करके मैं लोगों को अपील करता, तुहाडा चैनल काफ़ी देखा जाता, तुहाडे चैनल जिहड़ा लाइव भारत दे राही मैं लोगों को अपील करता कि वो आके इस कैंप च हिस्सा लेन। रैना जी, आपां गल करिए ते हुण ते तीसरी डोज़ भी इहदी आउंदी पई सरकार कोल, लेकिन कईआं लोकां ने अजे तक पहली डोज़ ही नहीं लगाई, तां फिर कितना तुसीं इस चीज़ नूं देखदे हो? मैं इसी करके कहिंदा कि लोगों को अपील करता कि देखो जदों फिर लोग दौड़ पैंदे आ, जदों कोई ऐसा वायरस चल जांदा तो लोग दौड़ पैंदे, हर जगह रश पै जांदा, सानू उत्ते दिक्कत आ जांदी, उस तों बाद साडे लोकी साडे नाल कई बारी धक्का मुक्की हो जांदी। इस करके मैं लोगों को अपील करता कि जे तीसरी लहर आने तो पहले अपनी वैक्सीनेशन पूरी कराओ,
जे तुहानू उस तों बाद तीसरी डोज जिहड़ी बूस्टर डोज कहिंदे हली सरकार ने हालांकि उन्हूं मतलब मान्यता नहीं दी हली आगे नहीं उन्होंने कहा कि हली तीसरी डोज लगनी लेकिन जिहड़ी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उन्होंने सरकार नूं एक सुझाव दिता कि तुसीं तीसरी डोज क्योंकि बाहर कंट्रियां च लग रही इस करके उन्होंने सुझाव दिता हुआ सरकार नूं सरकार इधर इस प्रति सोच रही है शायद सरकार की मजबूरी है इस टाइम कि हली दूसरी डोज पहली डोज नहीं पूरी हुई इस करके सरकार भी थोड़ी यदि पिछे हट दी मैनू लगता कि जिहड़ी बूस्टर डोज है जे एमिक्रॉन की जिहड़ी साडी तीसरी जिहड़ी लहर है करोना की जे ये बढ़ गई तो मैनू लगता बूस्टर डोज भी देनी पैनी लोगों को इस करके मैं लोगों को फिर अपील करता जिहड़ी पहली दूसरी डोज रहिंदी है वो अपनी जल्दी तो जल्दी लगा दें। हाँ जी सर आज जिहड़ा फिर तो एक निष्काम सेवा वैक्सीन कैंप लगाया जा रहा है की कहना चाहोगे? बड़ी खुशी हो रही है साडा जे निष्काम सेवा ऑर्गनाइजेशन वालों श्री बालाजी मंदिर ग्रीनफील्ड मजीठा रोड विखे 45वां कैंप चल रहा जिद कोविशील्ड की फस्ट तो सैकेंड डोज लगाई जा रही है। मैं देख रहा कि अजे भी कई लोग जागरूक नहीं इस बीमारी प्रति फस्ट डोज भी काफ़ी लोग लगवा आ रहे हैं। मैं लोगों अपील करता शहर वासियों के करोना का खतरा अजे भी टलिया नहीं है एमिक्रॉन नवी एक होर आ गया जिदा खतरा इन्ना का वध गया कि WHO ने भी ये वास्ते सतर्क रहने की सलाह दी है केंद्र नूं ते सानू इस बीमारी तो बचने लई अपना इस सुरक्षा का कवच जरूर पहनना चाहिए। कई मैं देखदा कि लोग ये भी कोशिश करते कि साढ़े को रजिस्ट्रेशन करवाउन आउंदे आ ते बाद च झगानी दे के निकल जाते टीका नहीं लवाउंदे इहदे नाल नुकसान वो अपना ही करा रहे साडा नहीं है या सरकार का नहीं है कल नूं इनफेक्शन वधेगी इन्हां लोकां नूं ही गंभीर स्थितियां का सामना करना पैना जिन्हें दे दोवें डोज लई है वह फिर बचाव हो जाना किसी ना किसी तरीके पर इन्हां नूं मुश्किल का सामना करना पेगा हो सकता करोना च करोना इन्हां लई जानलेवा साबित होवे। सो मैं कहना कि इहो जिहा जिहड़ा नुकसान है ना तुहाडा अपनी जिंदगी का ही है किसी का कुछ नहीं जाना सो इहो जिहा गलत स्टैप ना चुको अपनी जिंदगी बड़ी कीमती है। लोगों को अपील करदा कि बिना किसी डर तो बिना किसी खौफ तो बिना किसी वहम तो यह कोविडशील्ड का कवच जरूर पहनो